ठीक है, बच्चे अपने आप को म्यूट करके रखो। सेंटेंस के चार पार्ट, पास्ट के भी चार और फ्यूचर के भी, मैं एक का लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से ये सारे के सारे आगे भी इसी तरह होंगे, मतलब कि पास्ट में भी इसी तरह, देखें तो इस तरह से ये चार पार्ट होते हैं, तो पास्ट के भी चार पार्ट होंगे, फ्यूचर के भी चार पार्ट होंगे। ठीक है, हम लोग अभी सबसे पहले ग्रामर में टेंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब ये फ्राइडे और सैटरडे जो हमारी क्लास चलेगी वो ग्रामर की अब रेगुलर चलेगी पूरे एक घंटे की। और अभी फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास होगी ना, तो उसमें अगले बार से पहले हाफ आवर आपको पढ़ा देंगे फिफ्थ क्लास को, उसके बाद आपका लास्ट हाफ आवर और सिक्स का, उन दोनों को कंबाइंड करके कराया जाए जैसे भी टाइम। हेलो, हाँ जी जी, तीन बजे तक कर रही थी जी। कोई नहीं, मैं सड़क क्रॉस करा दूंगा पूरे जी, कोई बात नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखते या बोलते हैं सब कुछ टेंस के हिसाब से ही मोस्टली होता है। अगर हमें टेंस पता है, जैसे आप लोगों को कहें कि 10 लाइंस किसी चीज के ऊपर लिखना है, तो हमें लिखना इसलिए नहीं आता क्योंकि टेंस से नहीं आता। ठीक है, अगर हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, इसमें क्या होता है, इसके लास्ट में ता, ती या ते है होता है। बच्चे हिंदी में है तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। राम घर जाता है, मोहन सुबह में उठता है, वह शाम को ट्यूशन जाती है, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है ना, इंग्लिश में तो बनाएंगे ना अभी। तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस वर्ब। ठीक है, जब भी कोई सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो वर्ब में एस ए एस लगाते हैं, और अगर प्लुरल होगा तो लगाने की जरूरत नहीं है। जिस जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखना, गो स्लीप ईट वॉक है ना, राइट। ठीक है, ये जो वर्ब्स मैंने यहां पर लिखे हैं आपके सामने, ये सारे के सारे वर्ब्स, इसमें एस ई एस कहीं लगाया है क्या? बेटे मास्क लगा के रखिए सारे बच्चे अच्छी तरह। जब एसईएस नहीं लगाया है तो ये क्या होगा, प्लुरल हो गया या सिंगुलर? प्लुरल। जब एसईएस नहीं लगा होगा तब वो प्लुरल होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा प्लुरल होता है। अब अगर इसको सिंगुलर बनाना है तब एसईएस लगाना पड़ेगा। ऐसे रूल है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही रूल चलता है। केवल इसी में कोई भी वर्ब अगर हमें सिंगुलर बनाना होगा तब इसमें एस आई एस करेंगे। अब देखो, ये हो गया प्लुरल वर्ब। अगर इसको गो को सिंगुलर बनाना है तो गोज, स्लीप को सिंगुलर बनाना है तो स्लीप्स,
ईट को सिंगुलर बनाना है तो इसमें एस लगा देंगे, इट्स। वॉक में वॉक्स, एस लगा देंगे, और राइट में भी एस लगा देंगे, राइट्स हो जाएगा। तो जब देखो वर्ब में कुछ भी नहीं लगा होता, ना तो सेकंड फॉर्म है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं आप लोगों को बता रखा है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर गो है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, गो का वेंट हो जाता है और गॉन। आपको केवल ये दो ही वर्ब फॉर्म याद करने पड़ते हैं। किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, उसमें आई एन जी लगा देते हैं। ओके दीदी, दीदी को दे दो अभी, है ना, रीडिंग कर लो, मैं देख लूंगा। गुड, इसमें गो है, इसमें आई एन जी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात, किसी का भी। और अगर बेटा उसमें एस लगा देंगे, ईएस या एस, तो वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपको केवल दो ही वर्ब फॉर्म्स याद करना पड़ता है, सेकंड और थर्ड। अगर आपको टेंस आता है, आपको वर्ब फॉर्म्स आता है, तो आप जब इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए कहते हैं ना, तब आ, 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 ऐसे आप नहीं करें, ठीक है? उसके बाद आपके है ना कंठ से आवाज निकलेगी। ईट है, ईट, एट, ईटन, तो सॉरी मैंने यहां लिखा, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स। तो हमें अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल दो ही चीज की जरूरत है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की, ठीक है? तो अब सवाल उठता है कि कहां पे फर्स्ट लगेगा और कहां पे फिफ्थ लगेगा, ठीक है? चलो ये समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, आपको आया? ठीक है, नहीं आएगा तो आप फिर से पूछेंगे, क्या नहीं आया समझ में ये भी बताना पड़ेगा। क्या करें अरे, तो फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए ऐसी लगाना पड़ता है ना, रूल है। अब बेटे ये आप नहीं पूछ सकते ना कि चोरी करने की सजा भारत के कानून में 3 महीने की सजा होती है, तो अब ये नहीं पूछ सकते 3 ही महीने की सजा क्यों, 3.5 महीने की क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता, रूल तो रूल है, ठीक है? अब देखो मैं आपको समझाता हूं, सब्जेक्ट थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट होगा और नहीं भी हो सकता है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहां सब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो सिंगुलर होगा और नहीं तो प्लुरल। मैं पहले प्लुरल लिख देता हूं, आई, वी, दे, और एक से अधिक, जैसे बॉयज हो गया तो मोर देन वन हो गया ना, या राम एंड श्याम, राम एंड सीता लिख सकते कुछ। जब एक से अधिक कोई पर्सन हो गया, एक से अधिक कोई भी चीज है, ट्वाइस भी हो सकता है, कुछ भी, तो ये सारे प्लुरल हो गए। मैंने यू मिस कर दिया, यू भी लिखना, तो जगह है, हाँ जगह है। आई बेशक एक होता है, वी भी वन ही होता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्लुरल ही मानते हैं। समझ में आ रहा है जी? यू, यू, वाई ओ यू, ओके। तो अब इसको करके देखें, यहां पे कंडीशन ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, देख रहे हैं ना, तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तुम अनमोल बताओ, अगर मैं कहूं गो एक वर्ब है, तो गो का प्लुरल वर्ब क्या होगा? पक्का फर्स्ट फॉर्म ही उसका प्लुरल फॉर्म होता है। कभी भी अगर आपको प्लुरल फॉर्म किसी भी वर्ब का लिखना होगा, तो जो वर्ब का पहला होता है वही लिख देते, कोई चेंज नहीं करते। तो आई गो टू आगरा, ठीक है, वी प्ले क्रिकेट,
यहाँ देखो, नहीं तो ना बत्तीसी तोड़ के हाथ में दे देंगे, बत्तीसी समझते हो तो बत्तीस आए भी नहीं होंगी, छोटी हो। दे वॉक इन द पार्क, बॉयज राइट लेटर, राम एंड सीता डांस ऑन स्टेज, ट्वाइस लुक ब्यूटीफुल, यू कम You read a lesson. मैं देखिए आपको, अब मैं सब समझा दूँ। You read a lesson. Listen, अपना पाठ पढ़ते हो। मैं आगरा जाता हूँ, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब मोर देन वन है। आई और यू को छोड़ के, आई और यू हमेशा प्लुरल हम मानते हैं टेंस, एक दो जगह नहीं मानते, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करा रहे हैं तो आई और यू हमेशा प्लुरल ही माना जाएगा। क्लियर है? आई गो टू आगरा, मैं आगरा जाता हूं। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। दे वॉक इन द पार्क, ठीक है, दे वॉक इन द पार्क, वे लोग पार्क में टहलते हैं। बॉयज राइट लेटर, लड़के लेटर लिखते हैं। राम एंड सीता डांस एट स्टेज, राम एंड सीता स्टेज पे डांस करते हैं दोनों। ट्वाइज लुक ब्यूटीफुल, ट्वाइज लुक्स मत कर देना, ट्वाइज है प्लुरल है ना, तो ट्वाइज लुक ब्यूटीफुल, ट्वाइज सुंदर दिखते हैं। यू रीड अ लेसन, तुम लेसन या पाठ पढ़ते हो, सिंपल है ना। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, और वर्ब जैसा एडजेक्टिव होता है वही लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो ही चैलेंज है, एक चैलेंज आपने पूरा कर लिया, अब दूसरे चैलेंज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आज के क्लास में कल सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर कराएंगे, और हर दिन भर भर के सिंपल प्रेजेंट टेंस पे काम मिलेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जितने भी वर्कशीट होते हैं दुनिया में, वो सबका सब आपको मिलेगा काम करने के, समझ रहे हैं। मैं एक पेज भेजूंगा आपको, एक चार्ट, उसमें टेंस के सारे फॉर्मूले लिखे हुए, एक पेज पर बस, आप लोग उसको कॉपी कर लेना। देखिए दूसरा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो भैया वर्ब में भी प्रॉब्लम है कि वर्ब को भी सिंगुलर ही करना पड़ेगा। इधर आना, अगर वर्ब हमारा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेम ही होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे। अब देखिए किस तरह से, अगर मैं कहूं ही शी इट, कोई भी एक नाम, कोई भी एक थिंग, जैसे कि टेबल और टेबल, ठीक है, काव, काव सीधे लिख सकते, सुन मैं, ये सिंगुलर दिख रहा है आपको, ही मतलब कि एक लड़का या आदमी, शी मतलब कि एक लड़की या औरत जो भी है, और हिंदी में इसको दोनों को वही करते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। अब मैं यह क्या करूं कि आपको वर्ब लिख देता हूं, वह खाना खाता है, पूरा करते हैं, वह डांस करती है, यह
अच्छा लगता है, दिखता है। राम खेल क्रिकेट खेलता है। टेबल राम ने गलत साइड ली किसके ऑब्जेक्ट की नहीं, ये टी है ना। अच्छा ठीक है, वो मैंने घुमा दिया। चकनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या हुआ? खिसकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको खिसक? कुछ लोग थोड़े डराते भी हैं मुझे। राम, ये राम का तो हो गया ना खेलने का। टेबल ठीक है, टेबल मजबूत दिखता है ना, लग रहा है कि टेबल मजबूत है। गाय घास खाते। देखो ये जितने भी वर्ब्स लिखे हैं क्या सही है? तो मैं एक एक से पूछूंगा, बताता जाएगा। पहले तुम बताओ भैया क्या करें। वह जो लड़का है खाना खाता है, तो ही ईट सही है। मैं आगे भी कर देता हूं, ऑब्जेक्ट के लिए फूड हो गया। एक सेकंड पूरा करने दो। अब he eat food सही है, मतलब eats आएगा। तुम बताओ वह डांस करती है, she dance in the evening सही है? क्या करें? Good, जाओ। तुम बताओ it look good, यह अच्छा लगता है, क्या होगा? look सही है? हाँ looks होगा। तुम बता बेटा छोटी गुड़िया। इट राम प्ले क्रिकेट सही है? राम क्रिकेट खेलता है, राम प्ले क्रिकेट सही है? प्लेज होगा। नहीं, आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, हम लोग से मास्टर पूछता तो हम लोगों को तो चक्कर आ जाता। अ टेबल सीम स्ट्रॉन्ग, तुम बता बुढ़िया। बैठे रहो बैठे रहो। सीम्स होगा ना बेटे, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, लगता है कि टेबल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, सीम्स हो जाएगा। जब भी यहां सिंगुलर होगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल आइए दबा साहब, मैं कुर्सी दूं आपको। आइए हार्दिक स्वागत। दबास दबास कीप क्वाइट। दबास लोग से ही हमारा भाई पेट चल रहा है, काव और सब लोग से चल रहा है। काव ग्रेज ग्रासेस, उस बच्ची से पूछता हूं जो लाल कलर में है, बता बेटा गाय घास चरती है, तो काव ग्रेज ग्रासेस होगा सही है, या कुछ करना है इसमें? बोलो बोलो क्या करिए? सही है, तुम बताओ बढ़िया। ग्रेजेस बोला है ना, तो और क्या, मेरे को पता ही नहीं कैसे बोले। तो ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का सस्पेंस था, हमेशा याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एससीएस लगा देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर पहचानना होगा। ये वीडियो बन रही है आपको घर पे रिविजन के लिए मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तब किया है, प्लुरल होता तो हमको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिख देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है और नहीं तो एससीएस लगा के फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, और कोई भी दूसरा वर्ब का फॉर्म नहीं लगता। जब कहो अभी छुट्टी कर देंगे, इसको और कुछ कहो ना करने के लिए। रीडिंग कर लो बेटा, बुक निकालो अपने, हर दिन घर पे स्टडी की थी इसने, पढ़ी थी इसने। अच्छा इसकी टेंस में आपको अभी कोई नहीं, अभी कर लो। तीन तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये था एफर्मेटिव, ठीक है, ये मैंने आपको कराया है एफर्मेटिव।
थोड़ी मेरी राइटिंग आपको अतरंगी लगेगी लेकिन कोई बात नहीं। आप जी डिक्लेरेटिव भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी सिखा देता हूं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फायदा पता है किस चीज का है? पूरे हफ्ते अब सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको करना है ताकि बिल्कुल दिमाग में चला जाए। फिर फ्राइडे सैटरडे को जब मैं स्टार्ट कराऊंगा ना नेक्स्ट टेंस, तब उस पर काम करें। और ये जो बड़े बच्चे हैं ना 10वीं 9वीं वाले, ये ना सोचे ना कि उनको नहीं मिलेगा 8वीं को, उनको उनके लेवल का वर्कशीट मिलेगा। ओके, हमने अफर्मेटिव कर लिया, अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बारी है। मैं इधर लिख रहा हूं नेगेटिव और इधर लिख रहा हूं इंटरोगेटिव। सारे बच्चे पबजी छोड़ करके अब वीडियो देखो अगर सीखना है। गुड, तो इंटरनेट तो हो गए। रीडिंग आप थोड़ी हेल्प कर दो ना उसके बाद। क्या बात, वास बहुत ज्यादा बड़ी मुस्की मारा तुमने तो। खेलता है तो मेरे पास पढ़ता नहीं है ना, एक बार बस इस जाल में फंस जाओ फिर देखो, फिर तुम्हें खिलाऊंगा। अच्छा पढ़ा लो, चलो देखो यहाँ ध्यान दो। ओके, अब देखो जब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाना होता है तो हम डू या डज का यूज करते हैं। देखें, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म यूज करते थे, लेकिन नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हमेशा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। मैं भी सिखाऊंगा किस तरह से। यहाँ पे बेटा डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब देखिए मैं पहला लिखूं आपके लिए। पहले ये देखो डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ओके, प्लुरल के साथ डू लगेगा और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, ठीक है ना? नहीं बेटे, हमारे स्टूडेंट्स को कूटो मत। क्या वो क्यों मर रही है? अब देखो मैंने यह फिलअप कर दिया, मुझे नहीं पता डू लगेगा या डज लगेगा, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, पता तो है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बताते जाना। मैंने कहा राम डैश नॉट प्ले क्रिकेट, तो आशी बताएगी या डू आएगा या डज? क्या बोल रही है? हाँ बोलो बेटा, बोलना तो पड़ेगा ना। राम सिंगुलर है या प्लुरल ये बताओ। हाँ यू का बता दिया भाई ने, बता दिया। याद रखिएगा आपको सिंगुलर और प्लुरल पहचानना आना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको निगेटिव हो गया। निगेटिव में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्ले डांस राइट इट, देख रहे ना, सब में सिंपल होगा, एकदम फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब हम लोग इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं, एक बार उसका भी करा दो।